हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं आज बंधन बैंक का चार्ट है और बंधन बैंक के चार्ट पे जो प्राइस एक्शन बना है, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर बंधन बैंक का चार्ट है और बंधन बैंक के चार्ट पे पहले हम लोग एक मंथली चार्ट पे चले जाते हैं। अगर मंथली चार्ट पे यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से फॉल होने के बाद देखिए पूरा लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो चलिए देखिए यहाँ से पकड़ते हैं तो करीबन यहाँ से अगर ये लाइन खींचते हैं और दोबारा इस लाइन पर अगर खींचते हैं तो देखिए यहाँ पर इस पर एक ट्रेंड लाइन बन गया है जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है और इसका सपोर्ट लेवल। अगर देखिए इस लो से मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ठीक है, प्राइस अभी इसका अगर लो नहीं ब्रेक करता ना तो यहाँ से प्राइस अपसाइड मोमेंटम देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरह मूवमेंट देता है तो एक अच्छी मूवमेंट मिल सकता है हम लोगों को नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट कोई कुछ मंथ में। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था जिसका लेफ्ट शोल्डर यहाँ पर राइट शोल्डर, तो यहाँ पर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, तो हेड यहाँ पर था और नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया इसलिए यहाँ से गिर गया। तो प्राइस अभी देखिए इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस जोन को अगर आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इस जोन पर ही ना यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया तो प्राइस यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। अगर बड़ी मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है तो अगर इस जोन का ब्रेकआउट देता है ना, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है तभी यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट मिलेगा और ऊपर की तरह मूवमेंट मिलेगा। पहले तो यहाँ पर 2-3 वीक के लिए यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है और जेहेतु यहाँ पर हैमर बना है तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकता है अगर प्राइस इसके ऊपर ओपनिंग होता है और प्राइस अपसाइड मोमेंटम देता है। तो पहला टारगेट इस जो ट्रेंड लाइन है, इस जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के आसपास का होगा।